गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 का मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे पहले रासायनिक गुण किसे कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन व रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यदि हम दूध से दही बनाते हैं तो क्या फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते, तो वो क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। उसी तरह से हम उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहे हैं, पहला धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, यानी कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वह धातु ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जैसे फेरिक प्लस O2, यानी आपका आयरन लेंगे, लोहा, लोहे को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि आपने जंग लगने की परिघटना से आप परिचित होंगे, कोई भी लोहे की ब्रिज हो या सीढ़ियां हो उस पर जंग लग जाती है, जब वो जल और नमी वायु के संपर्क में आती है तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटल्स और को ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा मेटल ऑक्साइड, जहां यम हम लिखे हैं वहां पे मेटल, यम का मतलब मेटल्स होगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती हैं, यानी वह हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती हैं। जैसे मेटल्स हमने लिया हुआ है, H2O के साथ हमने अभिक्रिया कराया तो यह बना मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, वह निष्कासित हो गया। इसी तरह से हमने धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को हमने निष्कासित यहाँ पे देखना करती है, मेटल्स को यहाँ पे अम्लों के साथ क्रिया करा HCl हाइड्रोक्लोरिक के साथ क्रिया करा तो मेटल MCl मेटल्स जो है क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन गैस बनाकर कर रही होगा निष्कासित करती है। वैसे हमने धातु को क्षार से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, मेटल्स को भी मेटल्स आप ले सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उसको हमने क्षार से अभिक्रिया कराया NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मेटल्स OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड वहां पे बनाती है। इस प्रकार से आपने इसके रासायनिक गुणों के बारे में आपने जाना। एक देखेंगे हम सोडियम को हमेशा केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो धातु है वो बहुत ही क्रियाशील होते हैं, यानी वह वायु के संपर्क में, जल के संपर्क में जल्दी उसमें आग पकड़ लेती है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, केरोसिन के में डुबो करके उसको रखा जाता है। ठीक है, तो आज ही आपने आज के बारे में रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा, इसे आप याद करेंगे। थैंक यू।